नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। पलामू से हमारे संवाददाता सुधीर कुमार की रिपोर्ट। माटी कला बोर्ड ने की चाक का वितरण किया गया। दरअसल पलामू जिला झारखंड माटी कला बोर्ड के कार्यालय में वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ उपायुक्त शशि रंजन ने कुम्हार परिवारों के बीच इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण किया। दीपावली और दुर्गा पूजा को लेकर कुम्हार परिवारों को मशीन दिया गया, ताकि वो बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तन दिए बना सकें और अपना व्यवसाय को बढ़ा सकें। दरअसल जिले में झारखंड माटी कला बोर्ड के तहत मृदा प्लास सोसाइटी का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत कुम्हार परिवारों को जोड़कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा गया। मौके पर उपायुक्त शशि रंजन ने इलेक्ट्रॉनिक चाक मशीन का डेमो को भी दिखाया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि ऐसे कुम्हार परिवारों को इस व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए उद्योग विभाग कार्य कर रही है, जिससे कुम्हार परिवारों को फायदा मिलेगा। आज झारखंड माटी कला बोर्ड पलामू के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक चाक हमारे कारीगर हैं उनको अनुदान पर दिया जा रहा है, और पलामू ज़िले में काफ़ी अच्छे कारीगर हैं और आने वाले समय में भी उद्योग विभाग के द्वारा यहाँ पर एक क्लस्टर बनाया जाएगा, और जहाँ जो मिट्टी के सामान बनते हैं, बर्तन बनते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करके इसको बाज़ार उपलब्ध कराया जाएगा। तो अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे इक्विपमेंट और नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जो कारीगरगण हैं वो यहाँ पर काम करेंगे, और इसी के शुरुआत में आज इलेक्ट्रिक चाक दिया गया, जो कि इनको अनुदान पर मिला, और यह उसमें काफ़ी आसान हो जाएगा इनको काम करना, इनके समय की बचत होगी और नए नए अच्छी कलाकृतियाँ यह गढ़ सकेंगे। तो मेरी शुभकामनाएँ सभी कारीगरों को, और आने वाले समय में जितने भी हमारे कारीगरगण हैं पलामू के, वो तो स्थिति है कोरोना काल के घड़ी में लोग बाहर ना जाए, जो आर्टिजन सीख कर आए हैं, प्रयास हम लोग का चल रहा है कि माटी कला बोर्ड के तहत इलेक्ट्रिक चाक जो दिया जा रहा है ये दुर्गा पूजा दीपावली की मद्देनज़र को देखते हुए, ताकि लोग अधिक से अधिक लोग मिट्टी के बर्तन बना सके, दिए बना सके, बाज़ार उपलब्ध हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं कि बाज़ार उपलब्ध हो, लोग का बिक्री हो सके, अच्छा से लोग पलायन हो सके। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।